नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, दैनिक शिव टाइम का परिवार हमेशा आम जनता के साथ खड़ा है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई बच्चा हो। यानी हमेशा उनके हक की आवाज़ हमेशा प्रशासन और सरकार तक, आम जनता तक भी लाने की कोशिश करता है। जहाँ तक बात आती है महिलाओं की, आए दिन हम ऐसे केसेस देखते हैं तो कहीं ना कहीं महिला के साथ ठगी होती है या उसके साथ कहीं ना कहीं उसका शोषण कर उसको बाद में छोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं शुरू करने से पहले ज़रूर कहेंगे कि हमारी बहनों से, हमारी बच्चियों से आपको भी समझदारी का प्रमाण देना है, समझदारी से काम लेना है। आजकल यूं जिस तरह से चल रहा है, लगातार फेसबुक पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग दोस्ती कर लेते हैं, बाद में कहीं ना कहीं उन दोस्ती बहुत भारी पड़ जाती, खास करके महिलाओं के लिए। पुरुषों की बात करें तो आज के दौर में पुरुष भी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का जो रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पर कुछ की बात करें तो कुछ महिलाएं तो डर के मारे, समाज के डर के मारे दुबक कर बैठ जाती हैं और अंधेरी के, गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ से इस तरह की महिलाएं, बहनें भी हैं जो अपने हक की आवाज़ को उठाने की हिम्मत रखती हैं। इस समय हमारे साथ एक बहन बैठी है, हम नाम नहीं बताएंगे, ये राजौरी की रहने वाली हैं, और इनका प्यार हो गया, लव अफेयर हो गया एक व्यक्ति के साथ जो कि आर्मी में कार्यरत है, आर्मी में ड्यूटी करता है। और इस समय ये बताएंगे उसकी ये सैलरी स्लिप। सबसे पहले सतपाल जिसका नाम है, फोटोग्राफ भी इसकी बताएंगे। अरे जब आप प्यार का रिश्ता बनाते हो तो जिम्मेदार दोनों की बढ़ जाती है, जिम्मेदारी दोनों की होती है। ज़बरदस्ती ना कोई रिश्ता बढ़ता है ना पनपता है, ना ही कोई रिश्ता शुरू होता है। तो जब दोनों की जिम्मेदारी, फिर लड़की ही क्यों भोगे? यानी महिला ही क्यों हर चीज़ का बलिदान दे? ये व्यक्ति है सतपाल। ये हम आपको बताना भी ज़रूरी है कि ऐसे भी समाज में लोग हैं। चलिए इनकी ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी सुनते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है, शायद मीडिया जब कुछ बोलता है तो लोग सोचते हैं, जनता सोचती है शायद हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, पर नहीं। आज हम इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, आखिर क्या हुआ, किस तरह का इनको धोखा हो के जो इनको मीडिया का सहारा लेकर आज सामने आम जनता की अपनी बात रखनी पड़ी। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? कब से जानते हो सतपाल को आप? जी मैम, इसको मैं 2016 से जानती हूँ। तो इसका नाम है सतपाल जे, इसका नंबर जैक नंबर है 13774964W। जे जैक रेफर से है। इसका सन ऑफ बाल कृष्ण, कास्ट इनकी ब्राह्मण है। विलेज इनका तैयारी पिंजाज हल्का त्योट, तहसील इनकी पौनी, डिस्ट्रिक्ट रियासी का है जी। तो 2016 से हमारी फ़ोन पे बात होती थी, उसके बाद धीरे धीरे हम मतलब क्लोजिंग हो गए। तो उसके बाद जे 2018 से हम मतलब रिलेशनशिप में आ गए। तो उसके बाद जे मेरे 2016 से मेरे घर पे भी 5-6 बार मेरे घर भी जाता है, मेरी मदर से बात होती है, जो बोलता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करूँगा, लेकिन शादी करने के लिए बोलता है। फिर मैं आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है, भाई है, एक ही भाई है, पापा की डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद जब जहाँ भी रिश्ता मेरा होता है, मतलब 4-5 जगह होती है, बात बात चलती है, जब वहीं रिश्ता मेरा तुड़ा देता है। किस तरह से तुड़ाता है? जाके उनसे बात करता था, मतलब कि इसको पता नहीं मेरा फ़ोन इसने हैंग किया, वो वहाँ से नंबर निकाल लेता है। इसको पता चल जाता है मैं कहीं भी बात करूँगी ना, इसको पता है नंबर इसके पास चला जाता है। तो उसके बाद ये इस बार 2013 अप्रैल को छुट्टी आता है, बोल मेरे को फ़ोन करता है, बोलता है मैं शालामार में हूँ, बाइक की दवाई लेने जा रहा हूँ। मैं बहन के पास अखनूर में गई होती हूँ। उसके बाद मैं शाम को कॉल करती हूँ तो बोलता है बामला में पहुँच गया। उसके बाद 14 को कॉल करती हूँ 2:30 बजे, तो बोलता है कि मैं 3-8 आया हूँ, तो मुझ पर तो शक करती। उसके बाद इसने मेरा नंबर व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। तो फिर मुझे शक हुआ कि इसकी कोई शादी है या कुछ ना कुछ बात है जी। हाँ जी, तो उसके बाद मैं इसके घर का पता करती हूँ। फिर मैं 23 अप्रैल को जहाँ कंप्लेन करती हूँ जानीपुर में, फिर 24 को जहाँ आते हैं, इनके साथ एक DDC का केवल कृष्ण होता है, DDC का केवल कृष्ण जो बीजेपी पार्टी का है, एक सुनील है, एक इसका भाई गणेश कहाँ से हैं, जे भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं, लेकिन केवल कृष्ण इस टाइम वन तलाक के बाद ये चिनौर में रहता है, चिनौर में रहता है। तो उसके बाद ये आते ही बोलते हैं, केवल बोलता है कि 15 दिन का हमें टाइम दिया जाए। तो मैं बोला 15 दिन का नहीं, केवल जो ये भी बीजेपी से हैं क्या? जे बीजेपी पार्टी से मतलब है। ये उस लड़के की तरफ से आए थे लड़के, हाँ। जानीपुर पुलिस स्टेशन में जी, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ये पूरा दिन मतलब बहस होती रही, आते बोलता है कि जे मेरी बहन है, जे मुझे ब्लैकमेल करी, मैं इसे बहन की तरह देखता हूँ, तो जो मेरे से मदद होगी मैं इससे करूँगा।
आपका रिश्ता क्या भाई बहन वाला था क्या? भाई बहन वाला रिश्ता नहीं था। जब मैंने इनको पिक वगैरह दिखाई सबको, केवल ने भी खुद अपनी आंखों देखी सब कुछ देखा, तो फिर ये चुप हो गया, बोलने लगा कि मेरी गलती है। फिर बोला मैं शादी नहीं करूँ। शर्म नहीं आती कि व्यक्ति को एक रिलेशन बनाकर बाद में उस रिश्ते को, यानी भाई बहन के रिश्ते को भी तार तार करने की कोशिश हो सकता है? घर पे बहनों के साथ भी ऐसा ही करती होंगे। तो फिर जो मतलब पूरा दिन हमारा ऐसे ही चलता रहा। तो फिर शाम को इसको थोड़ी देर मतलब पुलिस वालों ने अंदर इसको रोका। उसके बाद मैं गेट के पास पहुंची, बोलते हैं कि हमें एक दिन का मोहलत दो, हम सोच के कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। फिर ये एक दिन की जगह दो दिन लगा के आते हैं। 27 को आते ही बोलता कि मैंने शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसा कोई नहीं है, नौकरी रिजाइन दे के फिर मैं शादी करूँगा, ऐसे इससे शादी नहीं करूँगा। अब मुझे ये जवाब दे कि जिस लड़की से अब इसने शादी की है, उस लड़की से इसने क्यों नहीं नौकरी छोड़ के शादी की है, दूसरी शादी की है जो इसने नौकरी। आपके सामने शर्त रखी थी कि मैं शादी तब करूंगा अगर मैं नौकरी छोड़ूंगा, फिर जाके तेरे से शादी करूंगा। 6 महीने के बाद मैं इसको अपने घर ले। पहले इतने साल से आपके साथ मिलता जुलता रहा, घूमता फिरता रहा? बिल्कुल, जे जहाँ मेरे पास आता था 5-5, 10-10 दिन आते भी रहना, जाते भी रहना। तो तब नहीं इसको मतलब ऐसा सोचा कि मैं नौकरी छोड़ूं, लेकिन अब ये दूसरी के साथ शादी की है जो बहन इसने नौकरी छोड़ी, लेकिन अब बोलता 6 महीने के बाद आके रिजाइन देके शादी करके घर ले जाऊंगा। लेकिन जे बोले मेरे माँ बाप को छोड़ना, जे वो मैंने बोला ये बात मैंने बोली नहीं है। इसी के दौरान बीच में ASI अनु आती है, वो इसको अकेले में अंदर ले जाती है, अंदर लेके बाहर आते हैं, दोनों ही गर्म हो जाते हैं मेरे पे। जे बोलता है कि मेरे से 10 साल बड़ी है। कौन सी ASI? अनु। अनु कहाँ की है? कश्मीरी है, जहाँ पोस्टेड है ये, जानीपुर में। हाँ जी, जानीपुर में। वो आपके साथ क्यों इस तरह से बात करती है? पता नहीं, जे अंदर के लेके गई है, इसको बाहर आते ही मतलब जे गर्म हो गई, बोलती है जो गलती तूने ही की है। सब मतलब जेंट्स थे वहाँ पे खड़े, इसने जेंट्स के बीच मुझे इतना हरासमेंट किया कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो उसके बाद बोलती है आप दोनों की शादी होगी, कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, मतलब बार बार वो बढ़ जाए। इसको क्या आकाशवाणी आ रही थी कि कभी नहीं बनेगी? हाँ, तो उसके बाद पुलिस का काम नहीं ना ये तय करना कि बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये तो आप मामला लेके गए थे वहाँ पे? मैं तो मामला लेके गई थी। उसके बाद ये मैडम मतलब कि ऐसे बार बार बोलती रही। फिर इन्होंने एफिडेविट ना लिख के दे रहा था मेरे को, बोलता नहीं। बीच में इसका भाई बोलता है कि हम बारात लेके घर पे आएंगे, घर से शादी करेंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। एक इसके साथ और बंदा था, बोलता है जहाँ तुम लोगों ने इतने साल विश्वास किया तो 6 महीने और विश्वास नहीं करोगे? फिर मेरे साथ एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि 6 महीने पहले की कुछ बात और थी, 6 महीने की कुछ और, हम प्रूफ लेंगे, ऐसे नहीं हम मतलब विश्वास कर सकते हैं। फिर इन्होंने एफिडेविट की बात चली तो ये एफिडेविट भी मुझे लिख के नहीं दे रहा था। तो फिर हम जहाँ आए जानीपुर, इसने मतलब बोले साइन आपने करने, मैंने नहीं करने। मैं बोला मैंने नहीं करने, आपने ही करने, एग्रीमेंट आपने देना, मैंने नहीं देना है। उसके बाद मैं SHO को कॉल लगाती हूँ, मैं बोला ये बंदा नहीं लिख के दे रहा तो इसको अरेस्ट कर दो, अंदर लगा दो। फिर पता नहीं मैं वापस जब पुलिस स्टेशन जाती हूँ, फिर SHO इन दोनों भाइयों को, मैं अंदर जाती हूँ बोलती हूँ मेरे को बाहर निकाल देता है, इन दोनों भाइयों को अंदर बिठाता है। पता नहीं क्या बोला क्या नहीं इसका मुझे पता नहीं है। उसके बाद ये वापस आती है, साइन सुइन करके मुझे दे के वापस पुलिस स्टेशन जाती हैं। फिर ये राजी मतलब कि फिर करके आ जाते हैं। फिर मैं घर चले आती हूँ, इनका पीछे से पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद ये 27 को मुझे एफिडेविट दे रहा, तो ये 27 को एफिडेविट दे रहा, उस 27 को एफिडेविट दे रहा, उधर 2 मई को जाके ये दूसरी शादी करते हैं। इन्होंने 27 अप्रैल को आपको एफिडेविट दे रहे हैं, यानी कहीं ने पहले ही बेईमानी अंदर मन में थी कि इसको वर्गला के यानी थोड़ा सा भेला फुसला कर टाइम ले लेंगे, अंदर से शादी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने यही सोचा कि लड़की को पता नहीं चलेगा शादी का तो हम शादी कर लेंगे, 6 महीने के बाद बोलेंगे कि हम मतलब इस पर उल्टा बोलेंगे। तो इसलिए मेरे को जैसे पता चलता है तो मैं इनके घर पर 4 तारीख को जाती हूँ मॉर्निंग में। वही आपकी वीडियो भी आपकी है अब दर्शकों, इन्होंने कहा कि 4 तारीख को जाते हैं उनके घर, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसकी माँ मेरे पे मतलब उल्टा सीधा बोलती है, मुझे बहन बोलती है, बहन जी बोलती है बैठो कुर्सी पे बैठो, जे मतलब उल्टा सीधा भी बोलती हैं बीच में। मैं इनके घर पे सिर्फ उधर 8-9 मिनट ही मैं खड़ी होती हूँ। तो फिर उसके बाद ये मेरे इसकी माँ मेरे पे हाथों पाई करती है, मेरे से फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। तो जब फ़ोन छीनने की कोशिश करती है तो हम थोड़े मतलब साइड, हम मैं अकेली थी और मेरे साथ मेरा भाई था, हम साइड पे हो जाते हैं, निकल आते हैं। फिर ये पीछे में वहाँ कौन कौन था इनके घर का? हाँ। इनके घर का ज़्यादातर तो लेडीज थी, एक जेंट्स था। और सतपाल जो था मैंने देखा था मकान के पीछे बात करता, मुझे देख के वो गायब हो गया था। जो सतपाल के साथ जिस लड़की की शादी हुई वो बोलती मैं चमन की वाइफ हूँ, मैं सतपाल की वाइफ नहीं हूँ, ये वीडियो में भी बोल रही है ऐसे। हाँ, फिर मतलब काफ़ी देर इन्होंने पीछे से वीडियो बनाना शुरू कर दी। फिर बोलते कि हम बोलेंगे कि ये हमारे घर पर चोरी करने आई है। अब भी मेरे को सुनने में आया कि इन्होंने शिवखोड़ी रनसू में पर्चा पता नहीं काटा क्या किया कि अटैची हमारी उठा के ले गई। लोगों की पर्चा कट जाता है जो लोग अपनी मनमानी करते। चलिए दर्शकों, एक वीडियो बताते हैं जब ये लड़की, ये महिला
उस लड़के सतपाल के घर जाती है, जब इसको पता चलता है कि आप किस तरह से तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं शादी होगी सतपाल की? ये मेरे पास प्रूफ है, इसकी शादी की फोटो भी है, जो इनकी डीपी दोनों की है वो भी फोटो मेरे पास है। मेरे को जैसे पता चला, मैंने उसी दिन जाना था, तब थोड़ा टाइम मेरे घर आले दूसरे कासे च मनदे नहीं है, ठीक है, इन्हें बोले दूसरे कासे च नहीं मनदे, और कल लंच कीता, परसों मेरी डेथ नहीं हो जाती, मैं परसों आना हा बरात आले दिन, ठीक है। इन्हें सोचे कि 6 महीने का टाइम मेरे ही दिता, दूसरी जगह लावा फिर लेते जाइए। ना जी, अगर बंद सौ टेंशन होंगी, अगर चुरी हो तेरे पुत्र मुंह कहना इना सही है, यानी महिला को पता चलता है कि जब सतपाल, जिसके साथ इसका 6 साल से आप इसमें इनके रिश्ता था, उसने इसको देखा, घर के पीछे बात करा, जब इसको देखा भाग गया, पर ये इसके घर में कि जब इसको पता चला कि शादी होगी उसकी, और ये कह रहे हैं मेरे पास पूरा प्रूफ भी है कि शादी कर ली है, यानी कितनी चलाकी से, जो गणेश जी से जब आपने उन्होंने आपका उठाया था बीच में मीडिएटर बनकर, तो उनसे नहीं आपने पूछा गणेश ने क्यों किया? ये इनकी चाल थी, सबकी साजिश थी। एक जो गणेश है 23 तारीख को 24 को जब आता है, जे छोटे भाई का कार्ड लेके आता है चमन का, और जो केवल कृष्ण है बीजेपी पार्टी का DDC का, ये भी बोलता है कि चमन का मतलब चमन की शादी है। जो सुनील इनके साथ एक आता है वो भी इनके त्योड़ गांव का ही रहने वाला है, वो भी बोलता है कि छोटे मतलब इनका सबका बयान एक था कि चमन की शादी है, इसकी शादी नहीं है। हाँ, इन सब की मतलब मिली भगती, अगर जे गाँव के या चेयरमैन हो के इतना झूठ बोलता है कि छोटे की शादी है बड़े की शादी नहीं, तो ऐसे चेयरमैन को किसी ने क्या करना है? अगर जे मतलब किसी का घर नहीं बसा सकते, जे उजाड़ सकते हैं, तो फिर इनका यही मतलब रहा। मैं जब उधर से आती हूँ 4 को, मैं SSP जम्मू परेड में जाती हूँ, पेश होती हूँ, उन्होंने लिखते हैं SHO को जानीपुर, जब मैं SHO जानीपुर को पास जाती हूँ, बोलता है कि पढ़ा उसने, पढ़ने के बाद बोलता है कि आप IG के पास जाओ, ऐसे DIG के पास जाओ, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा जब तक तू कोर्ट से लिखवा के नहीं लाएगी, कोर्ट से लिखवा के नहीं लाएगी ऑर्डर करवा के। अभी मैंने 22 मई को कोर्ट से लगवा के ऑर्डर करवा के ले जाती हूँ, उस पर FIR के लिए लिखा गया है कि बंदे को अरेस्ट किया जाए, तो लेकिन इसने FIR नहीं लगाई। 22 को बोलता मैं एतवार को लगाऊंगा, 23 को लगाऊंगा, जब 23 आती है 24 को लगाऊंगा, 24 आती है 25 को लगाऊंगा, 26 को लगाऊंगा, वरना जे FIR नहीं काटते हैं। फिर 25 को लड़की का जो इसका सतपाल का सोरा है दूसरा, वो आता है तो जे मेरे को फ़ोन भी करते हैं, सतपाल का जो सोरा जो 17 तारीख को मेरे को कॉल भी करता है, बोलता है कि आप मतलब मेरी लड़की का घर उजड़ जाएगा, आप मेरा मतलब पैसा जो पैसे ले लो, तो जे बात खत्म कर दो। कौन बता, जिस लड़की से सतपाल की शादी हुई उसका ससुर? हाँ, उसका ससुर। हाँ, जे कालाकोट तहसील के रहने वाले हैं, इनका गाँव है कटवारी, इसकी लड़की का नाम है प्रिया, तो बोलता है कि घर उजड़ जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, तो आप मतलब पैसे वगैरह की डिमांड करते हैं, जे पैसे ले लो। तो मैंने बोला इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जाती है, पैसे मैंने नहीं लेने हैं, तो ना मुझे लेने की ज़रूरत है, अगर आप लोगों को चाहिए तो हम देते हैं। तो उसके बाद ये मतलब कि बंदे इस प्रिया के पापा के साथ मेरी 2 घंटे बात हुई है, रात 9:42 पर कॉल आती है, 11:23 पर कट होता है फ़ोन, उसके बाद मैंने इसको फ़ोन किया। फिर ये अभी 24 को मुझे कॉल आती है, कोई इनका पता नहीं दोस्त है सतपाल के, जो ससुर है उसके अब दोस्त है, बोलता है कि मेरी भी 4 बेटियां हैं, तो आप बाहर आओ साइड पे बात करो, इन लोगों का मुझे क्या भरोसा, जी मुझे मार भी तो सकते हैं ना। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं गई। फिर जब 25 को पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, वहाँ मेरे आगे इसका पापा झोली रखता है, मैं बोला झोली रखने की जरूरत नहीं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं अंबर से नहीं गिरी हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। पापा किसका, ये सतपाल का पापा? नहीं, सतपाल का तो कोई नहीं आया अभी तक, इसका ससुर था, बाकी इसका कोई नहीं। जहाँ मतलब कहीं ना कहीं लगा अब उनको कि इनकी लड़की के जो पति है गलती हुई है उससे। गलती क्या, मैंने बोला मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकती हूँ, अगर आप देखना चाहते हो मैं दिखा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन
अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि SHO के पास जैसे गेम है, अगर SHO सही होता है, जो 4 तारीख को भी उनको बुला सकता था, अरेस्ट कर सकता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी मैं जब कोर्ट का ऑर्डर भी करके देती हूँ, दिखाती हूँ मैं ऑर्डर कोर्ट का, तो ये इन्होंने तब भी मतलब कोई एक्शन नहीं लेता है, एक्शन नहीं लेता है। मेरे को अभी इन्होंने कल की रिपोर्ट भी, SHO साहब से भी बात करेंगे, पूछेंगे आखिर क्या 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 कारण था जो उन्होंने अभी तक FIR नहीं लगाई आपके कहने पर, आपकी कंप्लेन के ऊपर वो भी पूछेंगे, तो पूछ सकते हैं फिर। मतलब कि इन्होंने मतलब ऐसे ही करते रहे तो अभी कल के अब लिए क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि जे SHO जे अफसर मेरे को नहीं चाहिए, मुझे इंक्वायरी अफसर दूसरा चाहिए। इस अफसर से मुझे एक पैसे की उम्मीद नहीं है। पहले हम SHO साहब से भी बात करते हैं कि आखिर क्या जो आपने के द्वारा इल्जाम लगाए गए हैं कि आपके साथ वहाँ अभद्र भाषा अभद्र व्यवहार हुआ। नमस्कार, हेलो, हाँ जी, इनायत सर बोल रहे हैं, SHO जानीपुर बोल रहे हैं? जी बिल्कुल जी। जी नमस्कार सर, मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिव टाइम से। नमस्कार जी। जी सर, एक केस आया हमारे पास श्यामो देवी का, और इस समय हम आपको लाइव ऑडियो में सुना रहे हैं, जनता सुन रही है आपको लाइव में है इस समय। इनका ये आपके ऊपर इल्जाम आता है कि इनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है, ये आपके पास गुहार लेकर गई हैं सतपाल ने, जो कि 6 साल से इनका 4-5 साल से आपस में इनका रिलेशन था, उसके चलते 6 महीने का टाइम लिया गया और एक अंडरटेकिंग ली गई, जिसके चलते बाद में मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ और 27 को ये आते हैं, उसके बाद 3 या पता नहीं 4 को शादी कर लेता है और उसके बाद ये पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस SHO ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी FIR नहीं कही। हम चाहेंगे सर आखिर क्या तथ्य, क्यों किन कारण की वजह से FIR नहीं लगाई, हम जानेंगे, आप बताइए सर। बिल्कुल मैम, ये हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, ये लड़की एक है रजौरी की, शायद इन्होंने एक कंप्लेंट हमारे पास दायर की थी, उसके बाद हमने तुरंत उस लड़के को बुलाया, उसके फैमिली वालों को बुलाया, और जब इनको हमने यहाँ पे तलब किया 22 तारीख की, शायद मेरे याद नहीं एग्जैक्ट, 22 या 24 है जी। तो जब यहाँ पे बुलाया, लड़की को बुलाया, तो इन्होंने खुद ही बुला के हमें 2 दिन का 4 दिन का टाइम दिया जाए जी। 2 दिन का शायद इन्होंने टाइम लिया था, 2 दिन के टाइम में इन्होंने आपस में शायद कोई इनका कोई राजीनामा हो गया था, और इन्होंने एक राजीनामा करके और एफिडेविट हमें पेश किया। सर राजीनामा, ये राजीनामा कहाँ हो गया था, पुलिस स्टेशन में हुआ था या बाहर हुआ था पुलिस स्टेशन? ये कहीं इन्होंने वो तहसील ऑफिस में लाया है, नोटरी का है ये जी, जी। नोटरी का अटेस्टेड है, वहाँ से खुलवा के लाए थे, और हमें हमें दिया कि जनाब हमें 6 महीने का टाइम दिया जाए, 6 महीने हम जो है डिसाइड कर लेंगे शादी करेंगे जो भी है जी। और उसके बाद क्या होता है, ये उसके बाद हमारे पास आया कि SHO जी उन्होंने शादी कर ली है, तो जब शादी के बाद इन्होंने बताया था, हमने बोला ठीक है आप एक कंप्लेंट हमें लाजिए जी जी, इसने शादी कर ली हम पर चले दें। उसके बाद इनको किसी वकील ने गाइड किया होगा, ये कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उन्होंने एप्लीकेशन लाई, कोर्ट ने हमसे रिपोर्ट मांगी कि आपके पास अगर जो कंप्लेंट आई है SHO ऑफिस से भी आई है और आपके और डायरेक्ट भी इन्होंने कंप्लेंट की है, उसमें आपने क्या कार्रवाई की है जी। तो हमने पिछले कल ही हमने कोर्ट को जो है हानिपुर कोर्ट को हमने रिपोर्ट दी थी कि SHO इन्होंने जो कंप्लेंट हमें दी थी उसमें इन्होंने एक कंप्रोमाइज पेश किया था जी, और कंप्रोमाइज के बाद ये चले गए थे यहाँ से, तो हमारे पास कोई भी FIR लॉज नहीं हुई है। तो डिटेल हमने मुफसल रिपोर्ट बना के भेजिए हॉनरेबल कोर्ट को जी जी, आप उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी हुक्म मुनासिब हॉनरेबल कोर्ट का जी, मतलब उन्हीं के आधारों पर आप FIR लॉन्च करें, अगर FIR के लिए बोलेंगे तो FIR करेंगे, कुछ और अगर होगा इसमें तो वो करेंगे सर आप। बिल्कुल मैम, ये पुराना मैटर था, इसमें हम हाश पास में फटाफट पर्चा नहीं लगाते, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि गलत कंप्लेंट भी आती है, और जब कोर्ट में मैटर चला गया और कोर्ट ने जो है हमें आदेश दिए थे कि आप इसमें वेरीफाई करें फैक्स क्या है, और फैक्स रिपोर्ट बना के जो है हमने कल की सेंड कर दी हॉनरेबल कोर्ट में, आप कोर्ट जो भी डायरेक्शन हमें देंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है कार्रवाई हो जाएगी जी। सर वही हमने जाना चाहा था कि आखिर क्या तथ्य, क्योंकि महिला कहीं ना कहीं मायूस है कि जानीपुर के SHO है जो उन्होंने FIR नहीं लगाई, तो तभी हमने आपको कॉल किया कि आखिर तथ्य क्या, किन आधारों पर आपने FIR नहीं लगाई, वो आपने अपना जस्टिफाई किया। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि एक अंडरटेकिंग लाया था इनका, आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ था, तो उसके बाद कंप्रोमाइज करने के बाद उन लोगों ने देखा जाए तो एक तरफ से इनके साथ धोखा ही किया कि बीच में शादी कर ली, पर अगर उसके पास डायरेक्ट अगर आप पर आपके पास आते तो तब आप कार्रवाई करते? हाँ बिल्कुल, मेरे पास आता, लेकिन ये गए हैं कोर्ट का रुख इन्होंने अख्तियार किया, जब कोर्ट में चले गए हैं तो कोर्ट आने पर कोर्ट ने जो हमसे रिपोर्ट मांगी है, तो हम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते मैम, जब कोई भी कोर्ट से कोई भी डायरेक्शन आती है तो हमने वो भी करनी है, हमें इमीडिएटली जो रिपोर्ट आने पर कोर्ट में मांगी है हमने रिपोर्ट तैयार करके भेजी है कोर्ट में, जो भी डायरेक्शन हमें आएगी। सर इनके पास एक एप्लीकेशन भी है जो 4/5/4 मई 2021 की, जिसमें SSP जम्मू के पास गए और SHO जानीपुर जाप को SSP ने जो फॉरवर्ड किया कि इस पर देखा जाए और अंडरला जो भी होता किया जाए, तो ये क्या, ये वही आप बता रहे हो ना जो इनका आपस में कम्प्रोमाइज हो गया, ये कम्प्रोमाइज होने के बाद जो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से जो आई है एप्लीकेशन उसका भी हमने रिप्लाई बना के भेज दिया है, अब जो भी डायरेक्शन कोर्ट से आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम
डेफिनेटली कार्रवाई करनी है हमने, कार्रवाई नहीं रुकेगी इसमें। यानी कि अब ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि जो आपने रिपोर्ट सबमिट की है कि उसके आधार पर क्या क्या ऑफेंसेस बनते हैं और किस तरह की कार्रवाई होती है, अब ऑनरेबल कोर्ट पर डिपेंड है। चलिए अनाय सर, हम उम्मीद करते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो हमें समाज में मिलकर उसका साथ देना, यानी कहीं ना कहीं अगर ना इंसाफी हुई अंडर लॉ हमें जो भी हमारी मदद हो सकती है हम उम्मीद करते हैं आप भी वैसे ही मदद करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट के जो आदेश आते हैं उनके आधारों पर आप जरूर कार्रवाई करेंगे और कहीं ना कहीं इस बहन को इंसाफ मिलेगा सर। जी धन्यवाद अनाय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद। देखो ये थे SHO जानीपुर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम एकदम से हाशपाश में नहीं लगा सकते FIR पर, कहीं ना कहीं इनका नाराज़गी भी जायज़ थी, पर इनकी नाराज़गी को दूर करना भी हमारा भी कर्तव्य था कि SHO जानीपुर से भी पूछा जाए कि आखिर किन आधारों पर उन्होंने FIR नहीं लगाई। पर सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग सत्यपाल जैसे लोग, यानी किसी भी किसी के साथ अगर आप कोई रिश्ता बनाते हो थोड़ी तो शर्म कीजिएगा कि आपके घर में भी बहन है, वो भी महिला है, माँ है भैया, कल को बेटी होगी वो भी महिला ही होगी, तो खुद सोचिए दूसरों के साथ किस तरह से आप ऐसे कर लेते हैं। यानी ये आप तो शादी कर कर बैठ गए, ये इंसाफ की या तो पहले ही आप नहीं कहते कि नहीं करना, चलिए आर या पार करते, पर एक चलाकी देखिए कि किस तरह से DDC मेंबर भी बीच में आते हैं जिनका ये नाम ले रही हैं और भी जो लोग बीच में मोतबर बनकर आते हैं, यानी उनकी मानसिकता देखिए, एक तरफ से कहते हैं वहाँ अंडरटेकिंग लाते हैं कॉम्प्रोमाइज लाते हैं कि 6 महीने का टाइम दीजिए, और सबकी मिली भगत के बाद 2 को शायद आपने बोला और 2 तारीख को जाके उसी लड़के की शादी भी करवा देते हैं, यानी किस तरह से प्री प्लान सारा किया गया, तो खुद सोचिए फिर अब ये क्या करेगी महिला, ये कहाँ जाएगी, ये बेटी ये बहन कहाँ जाएगी, इसकी ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं कह रही है इस समय कि किस तरह से बर्बाद हुई, यानी कि ये तो मजाक ही बन गया। जब मन करा आप रिलेशन बनाते हो, हम ये नहीं कहते कि पुरुष ने ज़बरदस्ती की होगी, पर जो भी रिलेशन हुआ होगा इन दोनों की कॉन्सेंट से हुआ होगा, फिर उसका खमियाजा ये क्यों भुगते, ये तो अपनी ईमानदारी अभी भी बिता रही है, तो क्यों नहीं जो युवा है वो ईमानदारी बताते, अगर शादी भी करनी थी कुछ भी करना था कम से कम इनको अपने कॉन्फिडेंस में तो लेते, विश्वास में तो लेते, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब कहाँ जाएगी ये, किस तरह की कार्रवाई होगी, कार्रवाई में आप जिस तरह से जानते हैं पेंडेमिक का टाइम है, कोर्ट भी कोर्टों में भी किस तरह से वर्चुअल मोड पर काम हो रहा है, तो कब होगी सुनवाई, कब इसको इंसाफ मिलेगा, पर कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट पर भी हमें अपने न्यायालय पर भी पूरा विश्वास है कि इस तरह की केसों में वो ज़रूर कार्रवाई चाहते हैं। तो अब क्या चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा SHO ने कि अब ये रिपोर्ट कोर्ट में कल इन्होंने सबमिट करवा दी, अब उन्हीं के आधारों पर जो भी होगा, जो भी ऑफेंसेज होंगे या जो भी कार्रवाई होगी उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर होगी। देखो मैम, जहाँ पे लिखा गया कि दी कंप्लेंट अप्रोचेड दी कंसेंट्री पुलिस स्टेशन जानीपुर लॉजिंग दी FIR एंड अप्रोचेड दी SSP जम्मू फॉर लॉजिंग FIR अरेस्टिंग द इन्होंने कोई FIR नहीं काटी, जब जो कानून नहीं मानते तो मेरी बात जो कहाँ सुनने वाले हैं, मैं तो इनके आगे कुछ नहीं हूँ, जब जो कानून इनके लिए कुछ नहीं है, कानून इनके आगे कुछ भी चीज नहीं है, अभी जो सफाई पेश कर रहा है तो इससे जे तो जज ने लिखा है, जज की सब कुछ सबूत है, तो ये अभी बोल रहे हैं कि मतलब रिपोर्ट पेश की है कल की, इन्होंने भेजी हुई है कोर्ट में, मैंने अभी पढ़ा नहीं इन्होंने क्या लिख के भेजा क्या नहीं लिख के, इसलिए मुझे इस SHO से एक भी पैसे की उम्मीद नहीं है। मुझे DGP दिलबाग सिंह से, IG SSP से मुझे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे इंक्वायरी के लिए अवसर और दिया जाए, मुझे इस अवसर से एक पैसे की नहीं मतलब कोई उम्मीद है कि जे मुझे इंसाफ दिलाएगा, जे नीचे ही लगाएंगे, क्योंकि जे पूरी सपोर्ट इन्होंने लड़के वालों की है, मेरी इन्होंने नहीं की हुई है, मेरे मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, अगर जे 5 दिन मुझे बोलता है यही SHO की पर्चा काटना है आप डेली आओ 22 तारीख से लेके, लेकिन इसने पर्चा क्यों नहीं काटा, कभी बोलता है रिपोर्ट मांग रहा है कोर्ट वेरीफाइड के लिए लिखा है, मेरे को भी पढ़ना आता है, ऐसा नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ कि मुझे नहीं आता है, तो ये अभी बंदे को जब इसने अरेस्ट नहीं किया कुछ नहीं किया, इसके पास मतलब कि अंदरूनी कहाँ से आ गई इसके पास आकाशवाणी कि क्या उसने शादी की है या नहीं की है, क्या वही लड़की का ससुर आया 25 को, मैं बता रही हूँ आपको, हाँ अभी मेरी यही है कि मेरे को इंक्वायरी अवसर और चाहिए, इसे से मेरे कोई उम्मीद नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब कि हाथ खड़े कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जा के महीना हो गया अभी तक इन्होंने मेरे साथ कोई इंसाफ वाली कहानी नहीं की है। पर जब आप उनके घर गई थी, आप कह रहे हैं उसकी माँ कहती है कि ये उसकी दूसरे भाई की वाइफ है, ऐसे बोल रही है, मेरे पास फोटो, मैं फोटो दिखा दूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर जो कानून है वो भी अपनी सुनवाई देता है या कानून कोई भी फैसला देता है,
पर आप करेंगे क्या आप जिस तरह से उसने शादी, मतलब कि इन्होंने मेरी जिंदगी जो लाइफ है बिल्कुल बर्बाद कर दी है। मैं ना मरने के लिए हूँ ना अभी जीने के लिए हूँ। ये शख्स है, ये देखो, ये सतपाल, इस लड़की जो प्रिया बोल रही है कि मैं चवन की वाइफ हूँ, वो ही ये इसी की वाइफ थी। हम भी दुनिया में रहते हैं, इतना हो रहा है कि देख के हमें कोई पता नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं है ये लड़का जो हाँ बताया। तो और इस ये 24 तारीख को क्या करता है, जब आता है कॉल करता है, एक सांबा डिस्ट्रिक्ट की लड़की है रेखा डन्नाड के पास, पेपर अवतारा गांव की है, उसके पापा का नाम है बाबू राम, मदर का नाम है शकुंतला देवी। वो ये इसको कॉल करता है कि मेरे जहाँ रहती हूँ मैं, मेरे बगल में फ़ोन करता है कि इसका फ़ोन गायब करो, आप लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ। ये किसने बोला था? ये सतपाल रेखा को फोन करता है, रेखा मेरे साथ में जहाँ रहते हैं उनको फोन करके बोलती है कि जितने पैसे चाहिए, क्योंकि ये लोग मुझे मरवा भी सकते हैं। कौन है ये? रेखा जी सांबा की रहने वाली है, सांबा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। ये कौन है, क्या करती है? करती सर मैडम कुछ नहीं, ये नरवाल में रहती थी और ये बंदा छुट्टी आया था, इसने सामान वगैरह भी उसके पास रखा था। हाँ, तो ये रेखा और ये सब मिली लोगों से खतरा है कि जे लोग मुझे मरवा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें इनवाल में सतवाल का परिवार, डीडीसी का केवल कृष्ण, क्योंकि इन लोगों के पैसा है, जे किसी को पैसा देके भी मरवा सकते हैं, पैसा देके चोरी भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसलिए डीडीसी का नंबर है आपके पास? हम चाहेंगे डीडीसी मेंबर से भी जरा बात करें। नहीं, डीडीसी के उसका तो नहीं है नंबर, लेकिन सुनील है जो उसका नंबर है मेरे पास जी। हाँ, सुनील का नंबर है, डीडीसी वाले का नंबर नहीं है। बाकी इन्होंने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। जो एसएचओ अभी सफाई पेश कर रहा है, इसने भी मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। अगर मैं कॉल करूँ तो मेरा नंबर। गणेश जी कौन है जो आपने गणेश जी को बताया? गणेश इसका ये भाई का नंबर है, इसके भाई का नंबर। हाँ जी, हाँ जी, जो सुनील है जो इनके गाँव का ही, मतलब पानी पंच सरपंच जो भी है वो है। तो ये आए थे पुलिस स्टेशन में? जी, पुलिस स्टेशन आए थे। दीजिए, हम इनसे भी बात करते हैं कि ऐसा करना, यानी किसी की बेटी के साथ इस तरह का करना कहाँ तक सही है। यानी आप पावर में तो अपनी पावर का सही इस्तेमाल कीजिए ना, किसी के भले के लिए कीजिए, ना कि किसी की ज़िंदगी ख़राब करने में उसका हाथ दीजिए। चलिए इनसे भी बात करें। सुनील जी हैं, ये कहाँ पर रहते हैं? जयती ओट रहते हैं, शिवखोड़ी रनसू ब्लॉक। सुनील जी हैं? हाँ जी। चलिए उनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं दर्शकों बात करने की, क्योंकि बात की जड़ तक जाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य होता है कि अगर जिम्मेदारी उठाई थी तो क्यों नहीं इस महिला के साथ दिया उन्होंने। यानी उधर से 6 महीने का टाइम लेते और साथ ही उसकी शादी करवा देते हैं। अगर शादी करवानी है, शादी अगर करवानी भी थी तो उसका भी एक अल्टरनेट होता कि आप विश्वास में तो लीजिए। अब ये कहाँ जाएगी, ये क्या करेगी जब तक कोर्ट का फैसला आएगा? फिर भी हम यही कहते हैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से कि कभी भी इस तरह के कदम ना उठाइए कि इस तरह से कि बाद में आपको उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। किसी पर इतनी जल्दी से आप भरोसा मत कीजिए। अब फ़ोन हम लगा रहे हैं पर फ़ोन लगातार इनका नेटवर्क कवरेज से बाहर आ रहा है। फिर भी कोशिश करेंगे बात करने की इनसे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी मासूम के साथ गलत ना हो, किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो। ये भी हमारा कहीं ना कहीं रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि सही सामने लाएं, सच को सामने लाएं। तो जनाब फ़ोन नहीं है इनका लग रहा है, तो ये भी देखते हैं क्यों नहीं फ़ोन लगा, किस लिए फ़ोन, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू भी होता है, नहीं नंबर लग रहा है। चलिए ये अभी इनकी पूरी दास सुनाई और इनका ये भी कहना कि मुझे खतरा है, जिस तरह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं लगातार, फ़ोन करवाए जा रहे हैं सतपाल के माध्यम से, तो खुद सोचिए भगवान ना करे कल इसको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवारी उठाएगा। यानी कि क्यों लोग अपनी अपने रसूख के दम पर, अपने पैसे के दम पर हर बार किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी होने देते हैं या दबाते हैं। अगर रिलेशन था, दोनों का था, रजामंदी के साथ, ज़बरदस्ती नहीं थी, फिर भुगतान महिला ही क्यों करे? या तो पहले ऐसे रिलेशन ही मत बनाइए कि एक्सट्रीम तक पहुँच जाए कि बाद में महिला सोचने को मजबूर हो जाए कि जीवन साथी मुझे उसी के उसी को बनाना है। तो पहले कॉन्फिडेंस में लेना था ना, अगर शादी भी आपने करनी थी। अब ये कहाँ जाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। चलिए कहीं ना कहीं कानून पर हमें विश्वास है अपने के, कानून कहीं ना कहीं अगर इन लोगों का अगर आज विश्वास टिका तो कहीं ना कहीं कानून पर उम्मीद करते हैं कि कानून से इनको इंसाफ मिलेगा। चलिए हम कोशिश यही करेंगे, बात इन टच रहेंगे कि अगर आगे अगली क्या कार्रवाई होगी फिर से लेकर आएंगे। फिलहाल ये थी इस महिला की कहानी जो कि रजौरी की रहने वाली है। एक व्यक्ति सतपाल जिसका नाम है, जो आर्मी में कार्यरत है और रियासी का रहने वाला है। किस तरह से इनका चार पाँच साल से रिलेशन था, उसी के चलते रिलेशन एक्सट्रीम तक पहुँच गए, जिसके चलते कोई आपस में बहस मुबासा हो और उसके बाद शादी का झांसा देता रहा कि मैं तेरे तुमसे शादी करूंगा। शादी का झांसा देते हुए लगातार उसके बाद जब महिला ने
उसके ऊपर कोशिश संज्ञान लेने की कोशिश की क्यों नहीं आखिर शादी कर रहा तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। ये मोस्टली कईयों की आदत भी होती है। काफ़ी सारे केसेस भी हमारे सामने आते कि एक ही अल्टरनेट है, या तो सिम चेंज कर दो, ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप से और कॉलिंग से ब्लॉक कर दो, पर अपनी नज़रों से कहाँ बच कर जाओगे, उस भगवान की नज़रों से कहाँ बच कर जाओगे, कितनी देर जाओगे। ये दुनिया है, कर्मों का भोग ही करना पड़ता है, हर इंसान को हिसाब तो देना होगा कहीं ना कहीं। और आज इनके साथ कल उनके साथ भी ऐसा ही होगा जो गलत सोचते हैं। तो कोशिश कीजिए, जो बीच में DDC मेंबर आए थे, दूसरे लोग आए थे, कम से कम उनकी भी बेटियां होंगी घर में, उनकी भी बहनें होंगी, अगर कुछ होना करना भी था तो इनको कॉन्फिडेंस में लेकर करते ना, ताकि कहीं ना कहीं इनके मन में ये दुख ना रहता कि दूसरों लोगों ने मिलकर साथ में एक साजिश रची, जिस साजिश के चलते बलि का बकरा इस महिला को बनाया गया। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या ऑनरेबल कोर्ट क्या आदेश देती है जानीपुर पुलिस स्टेशन में, और किस तरह से कार्रवाई होती। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।